खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i न्यूज को सब्सक्राइब करिए। मोदी सरकार के मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस ने महेश शर्मा पर भगवान को बेवकूफ बोलने का आरोप लगाया है। हालांकि इस वीडियो में वे बेवकूफ कहते नहीं सुनाई दे रहे हैं। वीडियो में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज भी पूर्वी यूपी बलिया समेत अन्य जिलों में लोगों को भरपेट खाना नहीं मिलता। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वह मिड डे मील से ही पेट भरते हैं, बाकी भूखे रहते हैं। सबकी इच्छाएं तो भगवान भी पूरी नहीं कर सकता, फिर एक सांसद कैसे कर सकता है। उन्होंने वहां पर उपस्थित कार्यकर्ताओं से कहा कि ये शिकवे शिकायत और मांग का समय नहीं है, अब केवल चुनाव जिताने में जुट जाए। हालांकि ये वीडियो कब का है और कहां का है ये साफ नहीं हो सका, लेकिन वीडियो के नीचे लिखा है बुलंदशहर। इस मामले में सबसे बड़ा अगर कोई बेवकूफ है तो आप और हम, भगवान नहीं। इसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि वह मोदी जी अब भगवान को गाली, जब काम व जवाबदेही की सारी बारी आई तो आपके केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने अब भगवान को ही बेवकूफ कह डाला, क्योंकि रोटी रोजगार की जिम्मेदारी तो भगवान की है और सत्ता भोगने का अधिकार भाजपाइयों का।